मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइड विद फ्री बूटर। तो आज हम एक छोटा सा राइड करने वाले हैं बहुत दिनों के बाद, तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। और आज हम जाने वाले हैं बहुत दिनों बाद एक ऐसी जगह जो हम कई बार से ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो आज करेंगे एक राइड। आज हम जा रहे हैं कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। इस शहर को पहले अंबिका कालना के नाम से जाना जाता था, बट अभी कालना के नाम से ही जाना जाता है। और ये काफ़ी हिस्ट्रिकल शहर है और काफ़ी मंदिरों से भरा हुआ शहर है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए जाते जाते आपसे और भी बातें करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कोना एक्सप्रेसवे से और पकड़ने वाले हैं हम कोलकाता दिल्ली हाईवे। कोलकाता दिल्ली हाईवे होके हम पहुंच चुके हैं डानकुनी। डानकुनी से लेंगे हम राइट और पकड़ना है ओल्ड दिल्ली रोड। आप चाहो तो कल्याणी एक्सप्रेसवे से भी आ सकते हो 108 शिव मंदिर, बट हमने ये रूट प्रेफर किया क्योंकि इस रूट का सीनिक ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं 108 शिव मंदिर। आप लोग पीछे देख ही रहे हो कि बहुत सारा शिव मंदिर है, तो उसके डिटेल्स में आपको बताएंगे। ये यहाँ की जो शिव मंदिर 108 शिव मंदिर, ये कैसे नाम पड़ा? तो आप जो देख रहे हैं शिव मंदिर यहाँ पे, तो दो सर्कल्स में यहाँ पे सारे शिव मंदिर हैं। तो पहला सर्कल में 74 शिवलिंग्स हैं और शिव मंदिर है और हर एक में एक शिवलिंग है। और अंदर वाले जो सर्कल है उसमें 34 शिव मंदिर है और हर एक में एक एक शिवलिंग है। जो आउटर सर्कल है उसमें एवरी अल्टरनेट में, मतलब जैसे एक वाइट एक ब्लैक ऐसे करके शिवलिंग्स है, लेकिन अंदर वाले जो हैं वो सारे वाइट शिवलिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर वाले में, तो अंदर जाके देखते हैं। इनमें जो है सब वाइट कलर का है। तो ये जो मंदिर है ये लेट 18th सेंचुरी में बनाया गया था, जब कालना शहर बोला जाता है अपने पीक पे था, अपने जो डेवलपमेंट है उसके पीक पे था। और काफ़ी सारे रूलर्स जो राजा हैं वो बर्धमान को रूल करते थे, तो उनमें से एक राजा था महाराजा तेज चंद्र बहादुर, जिन्होंने ये मंदिर बनाया। तो यहाँ दो दरवाजे हैं, जैसे कि ये है आउटर सर्कल, ये जो आप लोग देख रहे हो, और ये है इनर सर्कल। तो इनर सर्कल में जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो दरवाजे हैं, तो दोनों दरवाजे आउटर सर्कल को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से वो जो उधर वाला दरवाज़ा है वो आपका एंट्रेंस और एग्जिट जो जिसका एक ही रास्ता है उधर को जाता है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। वैसे वाकई बहुत खूबसूरत है चारों तरफ, लेकिन क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा सूखा आपको लगेगा, बट और लोग भी थोड़ा कम है इस टाइम पे, लेकिन काफ़ी हरा भरा जगह है आसपास का और सच में बहुत अच्छा लगेगा आपको आके यहाँ पे। प्रतापेश्वर शिव मंदिर, तो आपने जो 108 शिव मंदिर देखा उसके ऑपोजिट में ही ये है। ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बहुत सारे टेंपल्स को एक जगह पे मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर है, आपने एक देखा, एक जो हमने दिखाया, और भी सारे हैं, दिखाते हैं अभी। ये सारे शिव मंदिर है। तो यहाँ छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये है बड़ा शिवलिंग जो काला रंग का है, आप लोगों को दिख रहा है शायद।
तो यहाँ 5 मंदिर है शिव जी के। तो ये भी यहाँ पर भी है एक शिवलिंग काला रंग का। तो यहाँ अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये है लाल जी टेम्पल। चलिए अंदर जाते हैं। तो ये है राधा कृष्ण का मंदिर। ये जो काम है ये लेट 18th सेंचुरी में जो जितने भी सारे टेम्पल्स में काम हुए थे सारे टेराकोटा के ऊपर काम हुए थे, जो कि आप विष्णुपुर में भी देख सकते हो और वही टच आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये है कृष्णचंद्र जी का मंदिर। चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो अभी जो आपने देखा ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर और हमने सभी कंप्लीट कर लिया, सभी देख लिया शायद, और कुछ बाकी है मेरे ख्याल से नहीं। और हाँ, इस एरिया में जितना भी कुछ था हमने कवर कर लिया है। तो अभी हमें अभी हम क्या क्या करेंगे, तो पानी पीना, उसके बाद पानी पीना है, क्योंकि हमने पानी नहीं कैरी किया आज, ये मिस्टेक हो गया और हमें बहुत प्यास लगी है। तो पहले अभी फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। हाँ, तो हमने पानी खरीद लिया है, अब पानी पीते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। वापस लौटते समय एनएच से हमें अपनी बाइक साइड करनी पड़ी क्योंकि इतनी जोरों से हवा चल रही थी कि बाइक चलाना नामुमकिन हो गया था। डिवाइडर पे लगे झाड़ियाँ भी देख के आपको समझ में आ जाएंगी कि कितनी जोरों से हवा चल रही है। और वो दूर में आप देख पा रहे हो वो ट्रक्स जो रेत लेके जा रहे हो, रेत कैसे उड़ रहे हैं, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी जोरों से हवा चल रही है। तो हवा रुकने के बाद हम वहाँ से निकल आए और अभी पहुँच गए हैं हम बेलगोरिया एक्सप्रेस वे में। तो यहाँ अभी हम चाय पी रहे हैं। वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और भी नए नए वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।